कि स्टार हैज 813 या फिर स्टार हैज 812, दोनों में से कोई भी कोड आपको इंटर करना है। और जैसे ही कोड इंटर करेंगे आपका फोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, ओप्पो के किसी भी फ़ोन में लॉक लगा के आप भूल गए हैं, चाहे वो ओप्पो का एफ सीरीज़ हो, चाहे वो ओप्पो का के सीरीज़ हो, ए सीरीज़ हो, ओप्पो का कोई भी फ़ोन हो, पिन पासवर्ड पैटर्न लॉक लगा के आप भूल गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप विदाउट डेटा लॉस किसी भी ओप्पो के फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में पिन पासवर्ड पैटर्न जो भी लॉक लगा हो, आपको ठीक उसके नीचे इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमारे फ़ोन में यहाँ पे है इमरजेंसी कॉल। ज़रूरी नहीं, आपके फ़ोन में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी आपको ये ऑप्शन आपको दिखाई दे, उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे कॉल किया, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार हैज 899 और हैज डायल करना है। आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में इंजीनियर मोड का ऑप्शन ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में इमरजेंसी ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर वापस से इमरजेंसी कॉल पे जाके स्टार हैज 813 या फिर स्टार हैज 812 और हैज डायल कीजिएगा, वो ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में जाकर स्टार एज 899 और हैज वाले ऑप्शन पे चलेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर वर्जन का, सॉफ्टवेयर वर्जन पे हम चलेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पे फैक्ट्री वर्जन दिखाई दे रहा है। आपको इस फैक्ट्री वर्जन को 3 से 4 बार क्लिक करके रीसेट कर लेना है। रीसेट कीजिएगा, उसके बाद बैक कर लीजिएगा। बैक करते ही आपको मैनुअल टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। बैक करते ही जस्ट आपको मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे चल जाना है। जैसे ही आप मैनुअल टेस्ट के ऑप्शन पे गए, स्वैप अप करेंगे, आपको यहाँ पे डिवाइस डिबगिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए, हमारे फ़ोन में 3 सेंसर आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके फ़ोन में 3 ही सेंसर हो, आपके फ़ोन में 3, 4, 2, 5 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन जब आपको मिले तो आपको करना है ये कि अपने फ़ोन में जितने भी सेंसर हो सभी को आपको स्टार्ट करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सभी को स्टार्ट किया, और कोई एक सेंसर आपका अगर पास हो जाता है ना दोस्तों, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास 2 सेंसर फेल है, 1 फेल है। अगर आपका सारा फेल हो जा रहा है, दोबारा तिबारा आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा तिबारा ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 पास हो गया, तो ये अच्छी बात है। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो रिस्टार्ट करके फिर से कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बैक करेंगे। यहाँ से बैक करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है, की स्टेटस पे चल जाना है। की स्टेटस पे जितने भी फ़ोन के लॉक होते हैं सब यहीं पे सेव होते हैं, की के नाम से है, पिन पासवर्ड पैटर्न वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा। अब ये जैसे ही डिलीट होगा आप बैक कीजिएगा और लॉक स्क्रीन पर आपको वापस आ जाना है। जैसे ही लॉक स्क्रीन पे आएंगे, स्वैप अप करेंगे और इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे आपको वापस चले आना है। और इस ऑप्शन में वापस आने के बाद आपको सिर्फ करना है ये कि स्टार हैज 813 या फिर स्टार हैज 812, दोनों में से कोई भी कोड आपको इंटर करना है। और जैसे ही कोड इंटर करेंगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा, और कोई भी पिन पासवर्ड पैटर्न नहीं मांगेगा। जो भी आपका डेटा है सब डिलीट, जो आप सोच रहे कि हो गया होगा कभी नहीं होगा। गैलरी में हम ओपन करेंगे और हमारे एल्बम में देखिए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह सेव पड़े होंगे, वो वैसे क्या वैसा ही पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, इसको ट्राई ज़रूर करें, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करें।